एक और दो अक्टूबर की रात को दीपक एलियस टिनू, जो कि लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी ब्राड, काला खेड़ी, संपत मेहरा गैंग का बहुत एक्टिव मेंबर है और जिसका कि सिद्धू मूसेवाला की किलिंग में काफी बड़ा रोल था, वो मानसा पुलिस की कस्टडी से भाग गया था। तो जैसे ही हमारी टीम्स को पता चला कि ये काफी जो डेस्परेट मुजरिम है, जो कि पहले 2017 में हरियाणा पुलिस की कस्टडी से भी भागा था और अब फिर एक 5 साल बाद ये पंजाब पुलिस की कस्टडी से भागा है, तो स्पेशल सेल की डिफरेंट टीम्स ने इस पे बहुत एक्सटेंसिव काम किया। तमाम जो नॉर्दर्न स्टेट्स थी इसमें बड़ा एक्सटेंसिव एफर्ट हुआ, राइट अप टू इंडिया नेपाल बॉर्डर, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, J&K ऑल्सो। इसमें काफी नोटेबल डेवलपमेंट्स हुई, काफी नोटेबल हमने इस एफर्ट के दौरान, जो कि पिछले तकरीबन 18 दिन का एफर्ट था, काफी लोगों को डिटेन किया, अरेस्ट किया, उनसे रिकवरीज भी हुई। लेकिन दीपक टिनू क्योंकि बहुत अलर्ट था और इसको इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट मिल रही थी, जिसके कारण से इसने तमाम हाइडआउट्स बदले। रिसेंट एक इसी जो हमारा एक्सटेंसिव टेक वर्क था और ह्यूमन एंड उससे कंबाइंड थी, तो ये एक एरिया था जिसको हमने राजस्थान में जीरो डाउन किया। ये पुराना अनंगपाल का स्ट्रांग होल्ड एरिया था, जो कि पहले एक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। तो आज उसी इंफॉर्मेशन को डेवलप करते हुए तकरीबन कपल ऑफ आवर्स बैक हमारी टीम ने दीपक टिनू को अरेस्ट किया। दीपक टिनू को अरेस्ट करने से इसके पोजेशन से 5 ग्रेनेड्स मिले हैं और 2 ऑटोमेटिक पिस्टल्स मिले हैं। इसकी जो इनिशियल क्वेश्चनिंग हुई है उससे ये पता चला है कि 2 नोटेबल जो इसके एसोसिएट हैं, एक रोहित गोदारा जो कि अजरबैजान में बेस्ड है और दूसरा जैक जो कि यूरोप में बेस्ड है, उन्होंने इसकी काफी हाइडआउट प्रोवाइड करने में मदद करी। रोहित गोदारा जो है ये संपत नेहरा का खास एसोसिएट और पुराना वाकिफ है। 1 और 2 अक्टूबर की रात को दीपक एलियस टिनू, जो कि लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी ब्राड, काला खेड़ी, संपत मेहरा गैंग का बहुत एक्टिव मेंबर है और जिसका कि सिद्धू मूसेवाला की किलिंग में काफी बड़ा रोल था, वो मानसा पुलिस की कस्टडी से भाग गया था। तो जैसे ही हमारी टीम्स को पता चला कि ये काफी जो डेस्परेट मुजरिम है, जो कि पहले 2017 में हरियाणा पुलिस की कस्टडी से भी भागा था और अब फिर एक 5 साल बाद ये पंजाब पुलिस की कस्टडी से भागा है, तो स्पेशल सेल की डिफरेंट टीम्स ने इस पे बहुत एक्सटेंसिव काम किया। तमाम जो नॉर्दर्न स्टेट्स थी इसमें बड़ा एक्सटेंसिव एफर्ट हुआ, राइट अप टू इंडिया नेपाल बॉर्डर, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, J&K ऑल्सो। इसमें काफी नोटेबल डेवलपमेंट्स हुई, काफी नोटेबल हमने इस एफर्ट के दौरान, जो कि पिछले तकरीबन 18 दिन का एफर्ट था, काफी लोगों को डिटेन किया, अरेस्ट किया, उनसे रिकवरीज भी हुई। लेकिन दीपक टिनू क्योंकि बहुत अलर्ट था और इसको इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट मिल रही थी, जिसके कारण से इसने तमाम हाइडआउट्स बदले। रिसेंट एक इसी जो हमारा एक्सटेंसिव टेक वर्क था और ह्यूमन एंड उससे कंबाइंड थी, तो ये एक एरिया था जिसको हमने राजस्थान में जीरो डाउन किया। ये पुराना अनंगपाल का स्ट्रांग होल्ड एरिया था, जो कि पहले एक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। तो आज उसी इंफॉर्मेशन को डेवलप करते हुए तकरीबन कपल ऑफ आवर्स बैक हमारी टीम ने दीपक टिनू को अरेस्ट किया। दीपक टिनू को अरेस्ट करने से इसके पोजेशन से 5 ग्रेनेड्स मिले हैं
और दो ऑटोमेटिक पिस्टल्स मिले हैं। इसकी जो इनिशियल क्वेश्चनिंग हुई है उससे ये पता चला है कि दो नोटेबल जो इसके एसोसिएट हैं, एक रोहित गोदारा जो कि अजरबैजान में बेस्ड है और दूसरा जैक जो कि यूरोप में बेस्ड है, उन्होंने इसकी काफी हाइड आउट प्रोवाइड करने में मदद करी।